मुझे बताओ, इतनी अच्छी आवाज़, इतनी अच्छी गायिका, फिर एक्टिंग और सिंगिंग का क्या तालमेल हुआ? इट साउंड्स वेरी अनग्रेटफुल, बट आई एम नॉट बीइंग अनग्रेटफुल, बट आई वाज नेवर कॉन्फिडेंट इनफ कि मुझे लगा कि मैं एक्टिंग, दूर दूर तक मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं एक्टिंग कभी भी करूँगी. मैंने आज तक कोई स्टेज शो नहीं किया है, ना कॉलेज में ना स्कूल में. आई वॉज वेरी, आई हैड स्टेज फियर, आई स्टिल हैव, एंड आई ऑलवेज कीप फाइटिंग विद दैट फियर. आई ऑलवेज हैड दैट स्टेज फ्राइट. स्टेज फ्राइट वो लड़की कह रही है जो इतना बड़ा प्ले कर रही है, जिसका नाम मुगले आजम है. इमेजिन, आई हैव शेयर्ड इट विद माय डायरेक्टर आल्सो, एंड ही वाज लाइक, आई थिंक देन यू आर अ वेरी गुड एक्टर बिकॉज यू नेवर लेट मी नो यू आर नर्वस. सो आई थिंक मैं एक्टर नहीं बनना चाहती थी, दैट वॉज वन थिंग दैट आई न्यू. मुझे इंडियन आइडल के लिए जब मैं ऑडिशन देने गई, मेरी फ्रेंड्स कॉलेज की जो ओवर एंथुजियास्टिक, तो उन लोगों ने मुझे इनफैक्ट एनरोल करा दिया था, रजिस्टर कर दिया था मेरे लिए. कौन से सीजन में? दैट वाज सीजन 4, बट आई हैड गॉन फॉर इंडियन आइडल 2 बिफोर, बट एंड उसमें मैं ज्यादा दूर तक गई थी. इनफैक्ट जस्ट बिफोर द वोटिंग राउंड्स आई वाज डिस्क्वालिफाइड बिकॉज आई फॉरगॉट द लिरिक्स, एंड सो आई वाज लाइक अच्छा. But trust me, I was so happy that I was out. This was an Indian Idol 2. Two. हाँ, फिर? उसके बाद मैं वापस आ गई और मैं पढ़ाई में लग गई. I was very serious about advertising. I think I was creatively very inclined towards advertisements. So I'm like, I'll make ad copies. I'll become an advertising person. I think in the second year, मैं Indian Idol 4 के लिए गई और मेरा जो पहला audition clip था in front of the judges, वो telecast हुआ. And at that time, मैंने पहला जो पहला ऑडिशन होता है वो दे करके लखनऊ से मैं आ गई थी वापस. देन मुंबई ऑडिशन को टाइम होता है, बट मुंबई ऑडिशन जाने से पहले, दो दिन पहले, आई मेट विद एन एक्सीडेंट. आई वॉज कमिंग आउट ऑफ माई कॉलेज, एंड माई कॉलेज वॉज अ वुमेंस कॉलेज. सो वॉट हैपन्स इज, वुमेंस कॉलेज के आगे लड़कों की बड़ी लाइन लगी रहती है कंसिडरिंग, एंड द गाय हु एक्चुअली बम्प्ड हिज बाइक इनटू मी, ही वॉज नॉट इवन लुकिंग एट मी, ही वॉज लुकिंग एट सम अदर गर्ल इन द कॉलेज, एंड ही डैश्ड हिज बाइक टू मी, एंड मैं चल रही थी और मैं दूर उछल के गिरी, स्किड हुई अच्छे से, एंड दिस साइड वॉज ऑल रब्ड स्क्रेप्ड. और उसके बाद मैं उठी, मैं गिरती हूँ तो मेरा सबसे पहला रिएक्शन होता है आई गेट अप एंड आई सी हू ऑल सॉ मी फॉलिंग, एंड देन आई एम लाइक शिट, बिकॉज आई इमेजिन माई सेल्फ हाउ आई फेल, एंड इट बिकम्स अ वेरी फनी सिनेरियो, एंड देन आई डिस्कवर्ड कि मुझे बहुत चोट लगी है. सो व्हेन आई टोल्ड माँ, तो शी वाज लाइक यू शुड गो नाउ, आई कम बैक इंजर्ड, एंड नेक्स्ट डे आई हैड अ फ्लाइट फॉर मुंबई, मुंबई ऑडिशंस. तो आई वाज लाइक मे बी गॉड इज जस्ट टेकिंग एन एग्जामिनेशन, आई मस्ट टेक इट एज इट कम्स, आई गो. So I went. I went. Yeah, I went. चोट ही तो लगी, गला थोड़ी खराब हुआ है, but I was quite optimistic and I kept my positivity going कि नहीं ये हो जाएगा, I'll pull it off. But then I got viral. मुंबई पहुंची, रात को मुझे वायरल हुआ. I was like, चलो बुखार ही हुआ है, but then my throat also went for a toss. Infection हुआ, throat infection, and I couldn't sing. So Anu Malik, बोलो क्या करना है. I said I want to go, and I started crying. Like, I want to go. And then I was sent back. And after that, I completed my graduation. क्या बात? Then I want to pursue my MBA. MBA के लिए मैंने दो तीन जगह apply किया था. And I was considering only Mumbai colleges because I wanted to try into playback. So I had got this call letter from ITM Mumbai. Group discussion and personal interview के लिए letter भी आ गया था. GDPI. So I had to go to Jamshedpur for that. And I had my bags packed, tickets हो गए. जमशेदपुर के ऑन ड्यूरिंग माई एग्जामिनेशन ऑफ फाइनल ईयर आई हैड गॉट अ लॉट ऑफ कॉल फ्रॉम स्फियर्स फ्रॉम सम रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट सो द ऑडिशन क्लिप हैड अपेरेंटली क्रॉस्ड अ मिलियन व्यूज क्या बात विद इन फ्यू मंथ्स सो एवरी वन स्टार्टेड कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी एंड आई वॉज नॉट अ वेरी टेक सैवी पर्सन आई लाइक ओके आ भी गया है ऑडिशन दैट ऑल्सो आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ तो मुझे मैसेजेस आने शुरू हो गए फेसबुक पे देन मुझे किसी फ्रेंड ने बताया कि नेहा तुम्हें ना कोई फेसबुक पे कांटेक्ट करना चाह रहा है फॉर एक्टिंग एंड वो मुझे मैसेज करते हैं एंड दिस वाज इन द कॉलेज आई वाज लाइक व्हाई आर दे मैसेजिंग यू सो लाइक तुम जाके घर पे चेक करो एंड मेरा इंटरनेट कनेक्शन नहीं था पीसी पे सो आई वाज लाइक पापा इंटरनेट कनेक्शन लेना होगा तो मेरे पापा ही इज अनदर एंथुजियास्टिक पर्सन ही लाइक तुमको मैसेजेस आ रहे हैं ठीक है हम कनेक्शन ले लेते हैं
तो फेसबुक कनेक्शन हो गया, मैंने फेसबुक खोला तो मुझे बड़े सारे मैसेजेस आए हुए थे, कुलविंदर, आई स्टिल रिमेम्बर कुलविंदर, अमानो, इन सब के मैसेजेस आए हुए थे, सब राजन शाह के, हाँ, जिम, स्फीयर्स से मुझे ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन के पहले कॉल आया था, एंड दे वर कॉलिंग मी फॉर लॉट ऑफ शोज, दे आर लाइक दिस शो इज कमिंग, दैट शो इज कमिंग, वी वांट टू यू नो लॉन्च यू, एंड दैट कुडंट हैपन बिकॉज आई वॉज फर्स्ट नॉट श्योर, एंड they had researched about my life. So like your nana was into ipta and your nana was a great Dhrupad singer. So like that, and then I was very familiar. I was like, yeah, you know my nana. Yeah, so we are calling you for our main lead in a show. I said, what does she do? Does she sing? Like, no, she acts. Then why are you calling me? I can't act. I was like, maine kabhi acting nahi ki. Or first and second, I'm studying right now. आई थिंक नीलू जी ने मुझे बोला था कि ऐसे करो, तुम अपने एग्जाम्स दो, उसी दिन फ्लाई करके आओ, शूट करो, वापस जाओ, दूसरे दिन का एग्जाम दे दो. आई सेड नहीं, मेरे एग्जाम के एंड तक मैं पढ़ती रहती हूँ. आई नो, आई कांट डू दैट. लाइक ठीक है, तुम्हारे एग्जाम्स कब खत्म हो रहे हैं? शी आस्क्ड मी द डेट आफ्टर माई एग्जामिनेशन. शी कॉल्ड मी एंड आई वॉज लाइक, आपने मुझे बड़ा कॉल किया है. मैं ऐसा करूंगी, जब मैं मुंबई आऊंगी ना पढ़ाई करने के लिए, मैं आपसे मिलूंगी. एंड इन अनदर 2-3 days राजन सर कॉल्ड मी. Jim famous ka, director yes, and producer Rajan yes. Chaudhary ji, yes. Thing that worked with me and Rajan sir was ki wo mere se zyada ziddi the. Aur agar mujhe confidence tha ki main nahi kar paungi, to unko confidence tha ki main kar paungi. Kya baat, subah dekhe Rajan ji ki zidd thi lena hi hai neha ko. So nice. Yeah. I mean bahut kam hota ki kuch log aap par itna vishwas rakhte hain ki I think aapse zyada wo vishwas rakhte hain aapke talent aur aapke hunar pe. Yes, that's what I said. Rajan ji, this is amazing. Yes. I mean I didn't know about this, but hats off to you. Only you could have pulled this out. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि कहीं ना कहीं उनको भी इसका फ़ायदा हो, उनको भी इसका बेनिफिट हो. एंड ऑल्सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, शेयर एंड ग्रो इनिशिएटिव फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस. वी शेयर, वी ग्रो.